आप सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप सभी की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी 67 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। अब 21 सितंबर को एग्जाम होगा या फिर अक्टूबर में जाएगा, कुछ कहना बड़ा ही मुश्किल है क्योंकि अभी कोई सर्टेन टाइम, अभी सर्टेन डेट अभी आउट नहीं हुआ है, नोटिफिकेशन ऐसा कुछ है नहीं। आप बहुत ही सेट लगा रहे होंगे, बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, टॉपर की स्ट्रेटेजी बहुत ही आपके काम की हो रही होगी और जो बता रहे होंगे आपको कि किस तरीके से आपको स्ट्रेटेजी फॉलो कर दें 67th प्रीलिम्स के लिए या फिर मेंस की बात करें उसके लिए, तो आप उसको अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे, आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं, बहुत सारे लोगों का कमेंट रहता है, मैसेज आता है इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, मेल आता है कि जो है सर हम अभी बहुत ही बिगनर हैं, हम किस तरीके से प्रिपरेशन करें, कोई 12th में है अभी से उनको लगी है कि हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए बीपीएससी की, कोई ग्रेजुएशन करके आया है तो उसको तैयारी करनी है, ग्रेजुएशन के अभी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में है उनको भी प्रिपरेशन करनी है। तो इस वीडियो में हम एक आपको मोटा मोटी एक हम आपको एक आइडिया देंगे जिसको आप फॉलो करेंगे तो आपका जो है कि आने वाले 67th हो, 67th वाला के बहुत ही क्लोज है, बिगनर के लिए तो है ही नहीं, 68th 69th में आप अच्छा कर पाएंगे ये पूरा उम्मीद है। आप मेरे चैनल को पे देखते हैं कि हम बीपीएससी के बहुत सारे टॉपर का स्ट्रेटेजी, उनकी बुकलिस्ट कंटेंट, नोट्स वगैरह, उनका स्ट्रेटेजी हमने लाया है, मोटिवेशन लाया है जिससे आपको डेफिनेटली बहुत सारा बेनिफिट मिल रहा होगा। तो मोटा मोटी हम भी उसको एनालाइज करते हैं, समझते हैं कि असल में बीपीएससी चाहता क्या आपसे, असल में वो आपसे डिमांड क्या करता है। मैक्सिमम टॉपर या फिर सिलेक्टेड है बीपीएससी में, उनका यही कहना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सिलेबस एंड योर कंटेंट। और कंटेंट में मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि सिर्फ आप किताबों की छल्ली नहीं लगानी है, आपको रिवीजन, उसको कंफाइन करके आपको उसको रिवीजन करना है ना। तो टॉपर ये कहते हैं, सिलेक्टेड लोग ये कहते हैं कि आप यदि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को अच्छे समझ लो तो आपका जो 50% क्लियर है, ठीक है ना। तो आप समझ लो कि बीपीएससी आज से बहुत पहले से ही चला रहे हैं, पहले 100 क्वेश्चन होते थे, अब 150 क्वेश्चन हो रहे हैं, आई थिंक 37 जो बीपीएससी था उसमें 100 क्वेश्चन, तो उसके बाद 150 क्वेश्चन ऐसे होने लगे हैं। 10 से 15 साल का क्वेश्चन यदि आप फॉलो कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही सफिशियंट है। सबसे पहले तो मैं बता दूं इग्नोर करना क्या है, सिलेबस आपको अपने पास चस्पा कर लेनी है। मैं जो बता रहा हूं बातें आप बहुत ध्यान समझनी है, सुननी है, क्योंकि बीपीएससी कोई हलवा वगैरह तो है नहीं, आपको स्ट्रेटेजी के साथ चलना पड़ेगा, बहुत ही स्ट्रेटेजी मेंटेन करनी पड़ेगी, स्मार्टली चलना पड़ेगा कि कैसे बीपीएससी हम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर सकते हैं, ज्यादा हमें पंचवर्षीय योजना लेके जानी पड़े, ज्यादा हमें टाइम ना देना पड़े। बिना कोचिंग बीपीएससी बहुत ही आसान है क्योंकि इतने रिसोर्सेस है बाजार में कि आपके लिए कभी कभी पिक करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। और आजकल डिजिटल जमाना है, जैसे कि आप कहीं बैठ के बिहार में या फिर और भी कहीं और का स्टेट होते तो हमारा वीडियो आप हमारा इजीली एक्सेस कर सकते हैं, इजीली देखते हैं, तो आपको डेफिनेटली उससे फायदा होता होगा। बीपीएससी में आपका सिलेबस, ठीक है, सिलेबस आपके लिए एकदम, मतलब सिलेबस को चबा जाना है, ठीक है, सिलेबस को एकदम घोल के पी जाना है। जितना आप मतलब कंटेंट भागते हैं ना कि हमको इतना कंटेंट, ये बुक लिस्ट एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक ये वो जो लेके आप ला के रखते हैं उसको पलटते कभी नहीं है, पांच ही बुक रखो ना भाई। लेकिन आपको बीपीएससी आपके अंदर एकदम हजम होना चाहिए, बीपीएससी का सिलेबस, उस सिलेबस को आपको एकदम माइंड में सेटअप कर लेना है। दूसरी बात आना है कंटेंट पे, उसके बाद कंटेंट पे आना है। मैं आपको दो तीन ऐसे रिसोर्सेज बताऊंगा जो कि आपको एक तरीके से वो आपके प्रिपरेशन में बूस्टअप करेगा। रिसोर्सेस में आप एनसीईआरटी सबसे ज्यादा फॉलो कर सकते हो बेसिक्स के लिए, ठीक है। यदि आप एनसीईआरटी अगर बहुत अच्छे कन्वेंट स्कूल से आपने पढ़ाई किया है तो आपका एनसीईआरटी ह्यूमनिटी और आर्ट्स वाले सब्जेक्ट पकड़ है, ज्योग्राफी पॉलिटी हिस्ट्री इकोनॉमिक्स साइंस टेक ये पढ़ रहा है आपने, तो आप समझ लो कि अगर एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ रहे हो, सीधा स्टैंडर्ड बुक पे आ रहे हो या फिर सीधे यूट्यूब ऐसे कुछ वीडियो जो रहे, फिर क्लासेस को भी आप सोच रहे हो तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन आप क्लास में जाने से पहले आपको अपनी फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग कर लेनी है कि आपको कोई वहां क्लास प्रॉब्लम ना हो, और उसके सबसे बेस्ट चीज है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को आपको बहुत ही थ्रोली पढ़नी है, 6ठी से 12वीं तक की पढ़ो, क्योंकि हर साल एनसीईआरटी से भी 8 से 10 क्वेश्चन बीपीएससी में और 2-4-5 क्वेश्चन आपके यूपीएससी में भी आता है, ठीक है ना। एनसीईआरटी को यदि आप पढ़े हो बहुत डीप में तो आपका इतना अच्छा फाउंडेशन हो जाएगा, आपकी समझ, आपकी इतनी बेसिक्स इतनी क्लियर हो जाएगी
बहुत अच्छी हो जाएगी। तो एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद मैं आपको एक बुक रिकमेंड करूंगा जो किरण पब्लिकेशन की है। देखो आप, ये बुक है व्हाइट हैंडेड बुक ऑफ एनसीईआरटी एमसीक्यूज कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक। इसमें जो है कि आपको सारा जो है ना सारा इसमें हिस्ट्री से लेके इतिहास, जैसे हिस्ट्री हो गया क्लास 6 से लेके आपको यहाँ पे 12 तक हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन आपको बन सकते हैं आर्ट एंड कल्चर के, ज्योग्राफी के, तो 6 से 12 तक इसमें आपको सारे क्वेश्चन को जितने बनाया जा सकता है सारे क्वेश्चन को इसमें पुट अप किया गया है, इसमें कंपाइल किया गया है। और इसे आप बहुत ही अच्छे तरीके से कर ले, बहुत ज़्यादा मोटी बुक नहीं है, बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बुक को आपको डेफिनेटली करनी चाहिए क्योंकि बुक बहुत ही अच्छी है। एनसीईआरटी पे सारे क्वेश्चन जो भी बनने वाले हैं सारा इसमें कर दिया गया है और 3450 एनसीईआरटी क्वेश्चंस को व्याख्या के साथ मीन्स ये टफ्स कोई भी क्वेश्चन से देख लो, मध्यकालीन भारत ही इसमें से, तो इसको अच्छे से व्याख्या दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन का आप देखो तो इसमें अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया गया है कि आपके उससे जुड़े जो भी इसमें जुड़ी हुई जो भी इसकी जानकारी है आपको सारा चीज़ इसमें समाहित है, तो आपकी और स्ट्रेटेजी जो है ना आपकी और जो प्रिपरेशन है ना और स्ट्रांग हो जाएगी। मैंने आपको बुक दिखाया व्हाइट हैंडेड बुक एनसीईआरटी एमसीक्यूज का, इसमें आपको मैं थोड़ी बताया इसमें क्या है कैसे है। 6 से 12 तक हर सब्जेक्ट का आपको उसमें जितने सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं उन लोगों ने बनाया है किरण पब्लिकेशन वालों ने, तो इसको आप कर जाओ, ठीक है ना। इसको आप करोगे तो इसका बेनिफिट ये होगा कि एनसीईआरटी जो भी क्वेश्चन आ रहा है वो मिस नहीं होने वाला, जितनी पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन बनाने की उतना ही उन्होंने बना कि इस बुक में कंपाइल कर दिया है, तो इसको आप फॉलो करो। दूसरी मैं आपको स्ट्रेटेजी ये बताऊंगा कि आप कहीं से भी कंटेंट कुछ भी फॉलो करो, कुछ भी पढ़ो, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखने हैं, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक तरीके से रामबाण है बीपीएससी के लिए। हर साल प्रीवियस ईयर के 10 से 15 क्वेश्चन आपके आने ही आने, आप हिस्ट्री समझो, हिस्ट्री में क्या ही मतलब नया क्वेश्चन बनाएंगे, किस तरीके से बनाएंगे, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को ही कॉपी पेस्ट कर देते हैं थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस करके, पॉलिटी में क्या ही चेंज करेंगे, पॉलिटी में हाँ करेंट बेस्ड जो हो तो डिफरेंट होगा ही, ज्योग्राफी में क्या ही ज़्यादा चेंज कर सकते हैं, इकोनॉमी है इकोनॉमी में चेंजेज होंगे, इकोनॉमी में डेटा वगैरह फैक्ट वगैरह होता है तो उसको चेंज करेंगे। तो कहीं से भी कंटेंट कोई फॉलो करो, कोई बुक लिस्ट लो, कोई भी आपका जो भी बुक लिस्ट है जो भी आप कंटेंट है कहीं से कोचिंग कर रहे हो, लेकिन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जितना है पिछले 10 से 12 साल का आपको उसको मतलब रट जाना है, सारा सॉल्व कर देना है, ठीक है ना। और उसको सॉल्व करने से आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको एक ट्रेंड एनालिसिस भी पता चलेगा। एक तो आप सॉल्व कर रहे हो, आपका घर पे बैठे ही रूम पे बैठे ही आपको पता चल रहा है कि हम 150 क्वेश्चन कितने देर में कर पा रहे हैं, 150 में कितना मेरा सही हो रहा है, माइनस मार्किंग तो है नहीं, सारा कुछ तो आप करोगे, तो उससे आपको एक ट्रेंड एनालिसिस पता चलेगा, ठीक है। और दूसरी आपकी प्रैक्टिस बनेगी और उसमें आपको याद करने वाली जो है ना आप याद भी कर पाएंगे कि हाँ ये क्वेश्चन का इस तरीके से एक्सप्लेनेशन है, तो उसके लिए भी मैं एक और बुक आपको सजेस्ट करूंगी, ये भी किरण पब्लिकेशन की बुक है। दूसरी बुक ये है दोस्तों, ये है बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग सॉल्व पेपर 1992 से 2022 बीपीएससी 38वीं से लेकर 67वीं तक है, 67 तक जो कि हालांकि अब कैंसिल हो गया है फिर से होने वाला है, तो उसमें ये आपका जितना सारा पेपर है ना सारे का इसमें कंपाइल कर दिया गया है, इसमें सारे क्वेश्चन को इसमें दे दिए गए हैं और थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ा सा इसमें करेंट भी दे दिया गया है, तो उसको भी आप लोग देख सकते हो। आर्थिक सर्वेक्षण है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, मॉडल देखो यहाँ से स्टार्ट है 1992 से 38वीं बिहार लोक सेवा आयोग। अब इसको हम लोग देखते हैं तो इसमें भी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से दिया गया है, देखो इधर एक्सप्लेनेशन आपको करना क्या है, आपका ओमआर शीट आता है उस पर आप आसानी से करो और उसके बाद में आप यहाँ क्वेश्चन का जो उसका जो आंसर है उसको आप मिलाओ फिर यहाँ से, और जहाँ गलतियाँ होती है जिसका उसी समय उसका एक्सप्लेनेशन देख लो, ठीक है। तो ये दोनों बुक आपके बिगिनर हैं तो इसमें काफ़ी ज़्यादा ये बुक जो है कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। अभी जो मैं दोनों बुक आपको बताया ये दोनों बुक आपको इजीली किसी भी शॉप पे अवेलेबल हैं और हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में हैं। यदि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं देख रहे हैं, जैसे मैंने हिंदी मीडियम का आपको दिखाया तो इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है, किसी भी शॉप पर आपको इजीली मिल जाएगा, और नहीं तो आपको ऑनलाइन लेना है, किसी रिमोट एरिया में रह रहे हैं तो मैं आपको ऑनलाइन परचेज करने के हिंदी और इंग्लिश
दोनों मीडियम इन दोनों बुक्स का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ सर्च कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप बिगिनर हैं तो आपकी जो क्वेरी होगी इस वीडियो के माध्यम से अभी कंप्लीट हुई होगी। थैंक यू सो मच।